हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जीशान आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का रिव्यू करने जा रहा हूं। ये बेस्ट एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को बाधित कर देती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती है और पूरी तरह से किल करके समाप्त कर देती है। इस वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी डॉक्सीसाइक्लिन किन किन रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं और इसके खाने का सही तरीका क्या है, इसका परफेक्ट डोज कितना है और खाने से शरीर पर क्या साइड इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव देखा जा सकता है, किन रोगियों को यूज़ करते समय डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। किसी भी रोग के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक किन किन रोगों में हम यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में, निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस, गले के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, मूत्रमार्ग में होने वाले इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, साइनोसाइटिस, मुहासे में, इसके अलावा प्लेग में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में और इसके अलावा लिकोरिया में, इन सारे रोगों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा गया डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक का। अब जानते हैं इसका डोज क्या है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, डॉक्टर के सलाह के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इसके खाने से शरीर पे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या दुष्प्रभाव देखा गया है शरीर पे। सर दर्द हो सकता है, लाल लाल चकते हो सकते हैं स्किन में, उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, इसके अलावा आपको दस्त हो सकता है और थकान लग सकती है, कमजोरी लग सकती है। ऐसा कोई भी साइन सिम्टम अगर आपको दिखाई दे, दवा का तुरंत स्टॉप कर दे, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा का यूज़ ना करें, आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए, जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।